जय श्री कृष्णा। आज मैं बहुत दिन में वीडियो बना रही हूँ और अपने पूरे छत का व्यू दिखाती हूँ, ओवरव्यू। तो देखिए, ये है, इसको देव कटासला बोलते हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये चांदने का पौधा है, देखिए कितने बढ़िया फूल लगे हैं इसमें। ये बैंगन, इसको मैंने जो कई बार इसमें से मैं हार्वेस्ट कर चुकी थी, लेकिन इसको मैंने ये कटिंग कर दी है। वो देखिए, नई शाखा है इसमें आ रही है। और ये है एक गंवार फली का पौधा और एक कुंदरू, ये है देखिए। और इस बार मैंने इधर थोड़ा सा इधर लगाए हैं, देखिए इसमें टमाटर उग रहा है, मैंने इसको बांध दिया है, ये टमाटर। देखिए मैंने ये सब बोरी में लगाया है। और ये है नागचंपा का पौधा, ये 2 साल हो गया लेकिन अभी तक ये बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, बीच में सूख गया था, अभी बारिश हुई तो ये फिर से ठीक हो गया है, हरा हो गया है। और ये है गुड़हल का पौधा, ये गुड़हल का पौधा है ये। और ये तुलसी, तुलसी तो मेरे यहाँ बहुत लगी है, इसमें मैंने अरबी बोई है, अब देखते हैं उगती है कि नहीं। और इसमें इस गर्मी में बहुत पुदीना हुआ था, लेकिन इस बार मैंने इसमें से निकाल दिया और ये थोड़ा सा बस रखा है। ये है गेंदा। और मेरे यहाँ गुड़हल, सॉरी, मेरे यहाँ ये लगी है गिलोय, देखिए गिलोय। तो ये गर्मी में और ठंड में सूख जाती है, लेकिन बारिश में बहुत ही हरी हो जाती है और इसके पत्ते एकदम हरे हो जाते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये है बल्लर या सेम, तो ये एक ही पौधा, अभी इसमें एक ही है और मैंने इसको देखिए रस्सी से बांध दिया ताकि बेल चढ़ने में दिक्कत ना आए। और इसमें भी कुछ हरी मिर्च के पौधे हैं, ये देखिए कुछ हरी मिर्च के पौधे इसमें भी है। और ये है कुछ पौधे, फ्लावर के पौधे हैं ये, देखिए ये। और आप इधर आ जाइए, ये देखिए इसमें ये 2 हल्दी के पौधे उग रहे हैं और ये करेला, तो इसमें करेले लगने लगे हैं, देखिए ये करेले। ये पूरा इसको मुझे थोड़ा अच्छे से पूरा ये छटिंग करनी है, ऐसे गेंदा वगैरह सब इसमें हो गया, तो इसको मैं जब टाइम मिलेगा तब करूँगी। और ये 3 पौधे, ये फ्रेंच बीन के पौधे हैं शायद, मुझे पता नहीं, मैंने बीज लगा दिए थे कौन सी चीज़ के है, कोई बेल ही ये लगाया था मैंने, टिंडे, लेकिन सारे टिंडे बारिश में नहीं होते हैं, गर्मी में ही होते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें ना तो फ्रूट्स आए हैं ना ज़्यादा इसमें फूल आए हैं। गिलकी, ये इस बार मैंने गुलाब की कलम लगाई है, अब देखते हैं लगती है कि नहीं, तो थोड़ा सा तो इसमें ये आने लगा है। और ये बिलपत्ती का पौधा है, मैंने इसको भी यहाँ से बीच से इस तरह से काट दिया था, तो देखिए ये नई पत्ती आने लगी है। इस पौधे का नाम मुझे नहीं पता, ये जो बेल है इसमें फूल आते हैं, ये काफ़ी फूल लगे हैं। ये है हरी मिर्च, ये गुड़हल का एक और पौधा है, इसमें काफ़ी फूल आते हैं, देखिए अभी भी कलियाँ आ रही है। और ये ककड़ी, इसको भी मैंने इस तरह से रस्सी से बांध दिया है, बेल चलने लगी है। और ये है लौकी, देखिए ये लौकी का पौधा है और अच्छे से इसमें भी बेल चलने लगी, देखिए ये लौकी का पौधा, और अभी तो बहुत हेल्दी है, अभी मैंने कोई खाद वगैरह इसमें नहीं दी है, देखिए। और ये भी फ्लावर वगैरह है, तुलसी है, गुलाब वगैरह की कलम लगाई है मैंने।
और इसमें मैंने मोगरा लगाया है। मोगरा मेरे यहाँ कभी नहीं लगा, मैंने कई बार लगाया, अब देखती हूँ लगता है कि नहीं लगता है। ये तो ये है गिलकी का, ये मैंने एक दो महीने पहले लगाई थी शायद। देखिए इसमें आ रही है गिलकी, तो इसमें भी कोई बीमारी हो गई। देखिए ये इस तरह से ये सड़ने लगी है, और ये तो अच्छी है। देखिए इस तरह से गिलकी में ये पीले पीले हो जाते हैं। ये देखिए ये लगे बहुत है लेकिन बस सब पीले पीले होके जो छोटे छोटे निकल रहे हैं वो सब पीले हो जाते। देखो ये है स्नेक प्लांट, इस बार मैंने डिब्बे में से निकाल के इसमें लगा दिया, इसको मुझे लगाना है कहीं। और ये है टमाटर, अब उगने लगे हैं देखिए टमाटर का पौधा। और ये है बैंगन, छोटे वाले बैंगन है, और देखिए कितने सारे लगे हैं इसमें, बहुत सारे लगे हैं। ये छोटा बैंगन है एकदम, और ये तो है कुंदरू। देखिए तीन जगह कुंदरू लगे हैं, एक जगह का सूख गया और दो जगह अच्छे फैल रहे हैं। और मैंने आज कुंदरू तोड़े हैं लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये हरी मिर्च का पौधा देखिए बहुत हेल्दी है, इसमें भी फूल आने लगे हैं। ये फिर एक करेला, ये हल्दी, ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर और तुलसी, और ये है नीम का पौधा। ये तो आप कई बार देख चुके हैं। अब इसको मेरे को कटिंग करनी थी लेकिन इस बार नहीं की मैंने, देखते हैं अगली बार करेंगे। और मैंने बहुत दिन में वीडियो बनाया है, बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर तो कीजिए। ये मेरे पूरे छत का व्यू है देखिए।